I hope I now hope now you can see it. बेस मैंने बेस किया मैंने है, किया है। Different different shades of green you can use at the back. I'm using these two, emerald and green. आपके पास आपके ब्रशेज और ब्रशेज और छोटे ब्रशेज का इस्तेमाल कर सकते हैं छोटी जगह पे, ताकि ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए ज्यादा। कुछ ही कलर्स जो है लेमन येलो के साथ साथ मिक्स मिक्स करके करके ज्यादा निखल आते आते हैं, तो उसमें एमरल्ड भी एक है, एक है, इसमें आप उसमें आप हल्का सा लेमन येलो डाल के यूज कर लें। बर्न सियाना प्लस बर्न टंबर और डार्कनेस देने के लिए बर्न टंबर के साथ हल्का सा ब्लैक।
ये बर्न अंबर लगा रही हूँ ना। पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए आप टू टोन्स यूज करते हैं ताकि आपको आगे पीछे चीजें और वो दूर की चीजें भी अच्छी दिखाई दे और पेंटिंग में डेप्थ क्रिएट हो जाए। गहराई मेरे को थोड़ा लेमन येलो कलर थोड़ा कम लग रहा था। आई एम एडिंग मोर तब तक कलर ऐड करते रह सकते हैं जब तक आपको डिजायर्ड इफेक्ट नहीं मिले। व्हाइट कलर यूज कर रही हूँ हल्का सा बेस रेडी करने के लिए। जो नीचे वाला रूफ टॉप है उसका इसमें हल्का सा ग्रे टोन है। मैं मेरे पास एक रॉ अंबर कलर है जो ब्लैक कलर के ठीक नीचे और व्हाइट कलर के ठीक ऊपर है। इसको थोड़ा सा यूज करूंगी मैं एग्जैक्टली ग्रेश टोन ब्लैक से नहीं लगाऊंगी। हल्का सा मैंने ये लेकर ब्लैक के साथ थोड़ा टच करके फिर व्हाइट के साथ जितना को मैंने लगाया मेरे को उतना सफिशिएंट है अपने मेरे टॉप के लिए। मैं इसी को आगे स्प्रेड कर रही हूँ। बर्न सियाना कलर ले रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ी डेप्थ दिखानी है। मैंने पहले बर्न सियाना लगा दिया। इसके ऊपर मैं अब इसको आगे हल्का सा स्प्रेड करके फर्स्ट स्टेप से फिर मैंने बर्न अंबर लिया है वापस से और उसको यूज किया। बर्न अंबर लगा देने के बाद ब्रश से साफ किया और वो हल्का सा जो आगे को मर्ज करने को यूज कर यही पर मैंने हल्का सा ब्लैक टच किया और उससे और डेप्थ क्रिएट करने की कोशिश की। ऐसे ही मैंने बाकी की चीजों में जहाँ मुझे डेप्थ डालनी थी हल्का सा ब्लैक एंड बर्न टम्बर
इसपे हल्की सी मैंने लाइनिंग दी है। जो मैं कॉपी थी कलरफुल सी लाइनिंग है मुझे अटपटी सी लग रही थी तो मैंने एक ही कलर से आप जो ये रूफ टॉप के आसपास का एरिया देख रहे हो ये वाला जो लाइट सा दिख रहा है इसमें थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट करने के लिए आप ग्रीन कलर्स को यूज कर सकते हैं ताकि वो पीछे को भी चले जाएंगे और आपकी जो रूफ है वो भी ब्राइट हो। ऊपर के हिस्से में मैंने हल्का सा वो ब्लू टोन
एमरोल्ड को यूज कर रही हूँ फिर से। आपको डार्क टोन देनी है सैवरिंग में, मैंने जैसे आपको डार्क टोन देनी है सैवरिंग में, मैंने जैसे कल बताया था हल्का सा पॉइंट्स है ना उसमें डाल लीजिए और फिर उससे दे दीजिए। ब्रशेस को सीधा नहीं चलाना है, थोड़ा मूवमेंट रखिए ब्रश में, थोड़ा मूवमेंट रखिए ब्रश में, कभी वाटर कलर्स का इफेक्ट दिखाई देता है और पैचेस और डैशेस भी दिखे। कल भी बोला था आज फिर बोलती हो, जितना डार्कनेस आपको चाहिए आप उस हिसाब से कीजिए कि ये एक नंबर लाइट हो जाएंगे जब आप ये सूखेंगे। अपने ब्रश में पिगमेंट उतना ही उठाइए जितना आप यूज करना चाहते हैं। कुछ जगह पर तो बैटन वेट काम हो जाएगा और कुछ जगह पर आपको दोबारा से करना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी हनू कोई रिस्पॉन्स दीजिए, दिख रहा है सब कुछ ठीक ढंग से कि नहीं? यस मैम। देखो बेटे डरना बेटे डरना नहीं है, काम थोड़ा खराब हो जाएगा ना, मुझे खराब चीज भी दिखाना उसका सलूशन होता है। ये टाइम क्या हो गया अभी?